ओम शांति। आज 12 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 1991 और मुरली की हेडलाइन है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। तो बाबा ने कहा, आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम पर और मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। बाबा मधुबन की महिमा सुनाते हैं। बाबा का आना भी मधुबन में ही होता है और मधुबन वह स्थान है जहाँ पर बाबा के हम बच्चों को सिखाने हेतु बाबा ने कर्म करके सिखाया, जहाँ बाबा के चरित्र चले हैं उसको हम कहते हैं मधुबन। सिर्फ मिलने को मधुबन नहीं कहते हैं, लेकिन जहाँ बाबा ने रह करके तपस्या की, जहाँ ब्रह्मा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जहाँ पर शिव बाबा की मुरली चली साकार रूप से, वो स्थान है मधुबन। तो मधुबन में इसीलिए, क्योंकि इतने बड़े तपस्वी ब्रह्मा बाबा और उनके साथियों ने तपस्या की है, उस भूमि के वाइब्रेशन ही कुछ और है। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो, तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। बाबा ने कहा, तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। ये वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। फिर से रिपीट करेंगे। ये वर्ष का, तपस्या वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना, सिर्फ यहाँ तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना। ये बाबा ने भाग्य की महिमा बताई कि आप नए बच्चों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जहाँ पर कि मधुबन की महिमा, वर्ष का और फिर अपने पुरुषार्थ का, तीनों का ही वरदान। तो पुरुषार्थ तो सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि ये जो आपको यहाँ उपलब्ध होता है, इसको टेम्प्रेरी एक मिलन मात्र में ही फिनिश नहीं कर देना है, इसको अविनाशी बनाइए। क्योंकि शिव बाबा अविनाशी है तो उसकी प्रॉपर्टी भी तो अविनाशी होगी। ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है, टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या, मेरा बाबा जान लिया मान लिया। तो जो जान लिया मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। ये मेरा बाबा अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। नॉलेज मीन्स जानकारी, और बाबा बीज है, तो बीज है तो बीज में तो सब कुछ समाया होता है ना। और जब हम उस बीज को अपना बना लेते हैं, फिर और कुछ शेष नहीं रह जाता। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार, एक बाबा शब्द, ये याद रहना मुश्किल नहीं है।
सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं, सदा बाबा मेरा कि कभी कभी बाप मेरा है, जब सदा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो, अभी भी आगे बढ़ने का चांस है, अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है, तो बाबा ने विधि बताई, वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ, बचत का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गवाया है, सभी खाते व्यर्थ गवाकर ख़त्म कर दिया है। तो फिर बाबा ने हमें खाते बताए, श्वास का ख़जाना भी गवाया, संकल्प का ख़जाना भी गवाया, समय का ख़जाना भी गवाया, गुणों का ख़जाना भी गवाया, शक्तियों का ख़जाना भी गवाया, ज्ञान का ख़जाना भी गवाया, कितने खाते खाली हो गए, अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। बाबा कहते तुमने अभी तक तो सब कुछ गंवाया ही, सारे खजाने बाबा ने बताए गंवाए, अब है जमा करना, और जमा करने का समय यही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, कुटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना है, ये जमा की विधि है, वहाँ रखना जमा की विधि है, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है, फर्क है। बाबा ने बताया कि दुनिया में रखते हैं उसको जमा की विधि मानते हैं, लेकिन यहाँ पर खर्च करने को जमा की विधि मानते हैं। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना जैसे वो लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियाँ भी बहुत हैं, लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करो, समझा। जमा करने की विधि क्या है, कार्य में लगाना, स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है। समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि गुणों को शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे, तो बचत की विधि जमा की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। देखिए हमारा एटीट्यूड बाबा बदल देते हैं, हम लोग इसकी कॉन्शियसनेस में रहें व्यर्थ ना जाए व्यर्थ ना जाए, ये नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस बदल जानी चाहिए कि हम जमा कैसे करें, बचाएं कैसे। जब उस तरफ बुद्धि लग जाएगी तो व्यर्थ आप ही ख़त्म होगा। बाबा ने कहा कि गुण भी है बाप की देन, मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना, ये बाप की देन है, तो प्रभु देन परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं, बोलते भी हैं कि मेरे उस गुण को यूज़ नहीं किया जाता, मेरे ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। बाबा ने कहा मेरी कहाँ से आई,
मेरी कहा और मैली हुई। कई बार हम लोग भोलेपन में ये बातें कह देते हैं कि मेरे में इतनी योग्यताएं हैं लेकिन यूज़ नहीं होती, मेरे अंदर ये है लेकिन यूज़ नहीं होती। तो बाबा कहते हैं मेरी आई कहाँ से, ये तो शिव बाबा ने आपको दी है ना, प्रभु देन है। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्म से देते हैं कि मेरा नहीं मानो तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया, आपका है क्या, गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है। लेकिन बनाया किसका सेंटर है, बाबा का सेंटर है ना। तो जो बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे ने ही मैला किया, इतना ही फिर मैला होना है। सोच ले जो भी आत्मा ये सोचती है, आपके नाम से कोई कुछ सहयोग करेगा, सब सहयोग बाबा के नाम से होता है। तन मन धन का सहयोग जो मिल रहा है, जन का सहयोग जो मिल रहा है, वो बाबा के कारण से है। आप खड़े हो जाइए, आपको सहयोग कितना मिलता है वो देख लीजिए। बाबा ने बहुत और भी हमें एक्सप्लेन किया। बाबा ने ये कहा कि सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो कि मैं बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा है तो यूज़ करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ, बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। आलस्य तो आश्रय गुण है, उमंग उल्लास संगम युग का गुण है, इसमें रहेंगे तो आलस खत्म होगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। आपके मन में यदि कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।